59 भाई, ये तो अकेले निपटा देगा यार इसको। भाई ये इतना एक्टिव कैसे है यार, बड़ा फुर्तीला अपना ब्लेजर मटेरियल यार। 57 55,000 के हेल्थ बची है भाई, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ इसको। सो ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और पैल वर्ल्ड की ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने नॉकलेम को यहाँ पर सुपर नॉकलेम बनाया था गाइस, और इसका जो अटैक निकल के आया गाइस, जो लास्ट अटैक फाइनल अटैक जो निकल के आया था, वो आया था हमारा 5987 गाइस। इतना भी क्या इसको पावरफुल बनाना था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसका फुल स्ट्रेंथ को अभी तक हम लोगों ने चेक नहीं किया है, और इसका जो अटैक है ना गाइस, ये अपने सारे पैल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है अभी तक में, जितने भी हमारे पास पैल्स है। ये इतना पावरफुल है भाई कि क्या बताया जाए। तो आज गाइस हम लोग इसका ट्रू स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे, इससे आज हम लोग फाइट कराएंगे किसी बड़े बॉस से लाइक बेलानॉयर लिब्रो या तो बेलानॉयर, देखेंगे इसके लिए कौन बढ़िया सूटेबल होगा, तो उससे आज हम लोग फाइट कराएंगे, और भी देखेंगे किसी टॉर बॉस से भी फाइट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ गाइस आज हम लोग एक और पैल को यहाँ पे मैक्स करने वाले हैं, जिसका नाम है मैनेस्टिंग टेरा। सो गाइस, हमारे एक भाई हैं हैकर वाइटी भाई, तो उन्होंने हमें यहाँ पे ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया था, जो कि यहाँ पर मैनेस्टिंग और नॉकलेम इसकी ब्रीडिंग कराएंगे, तो हम लोग को मिलने वाला है मैनेस्टिंग टेरा। तो चलिए देखते हैं गाइस क्या इसमें से मैनेस्टिंग टेरा निकलने वाला है। सो गाइस, इसमें से हमें निकला है मैनेस्टिंग टेरा। सो चलिए गाइस, इसकी भी हम लोग ब्रीडिंग लगा देते हैं। और गाइस, हमारे भाई लोगों ने हमें यहाँ पे कमेंट किया था कुछ ब्रीडिंग कॉम्बी को, ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन को। सो चलिए हम लोग उसको भी यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए लगा देते हैं, जो कि हमारे डिलीट गेमिंग भाई हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था डोजन प्लस प्रिस्टर। सो चलिए हम लोग इसकी ब्रीडिंग लगाते हैं यहाँ पे। सो एक ये रहा हमारा डोजन जो कि फीमेल है, ठीक है जी, ये हमारा प्रिस्टर जो कि मेल है। सो चलिए इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे पटक देते हैं, ठीक है जी। और हमारे प्रिस्टर भाई साहब, अरे भैया देखो मालूम है तुम खेती किसान में आगे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे रहना है, ठीक है जी। सो चलिए गाइस, हम लोगों ने इसकी यहाँ ब्रीड लगा दी है। और हमारा जो सेकंड कमेंट आया था गाइस, वो आया था एसएम साहिद उद्दीन भाई की तरफ से, जिन्होंने हमें कमेंट किया था यहाँ पे नेक्रोमस प्लस नॉकलेम। सो चलिए देखते हैं भाई इसमें से कौन सा पैल निकलने वाला है। तो ये हमारा नेक्रोमस, ठीक है जी, और ये हमारा नॉकलेम। तो चलो यार देखते हैं इसमें से कौन सा पैल निकलने वाला है आज। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर भी मैं इसको रख देता हूँ नॉकलेम को, और कुछ टाइम वेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा पैल निकलता है। और तब तक गाइस मैं यहाँ बैटल फील्ड बना देता हूँ, जिससे आज हम लोग अपने नॉकलेम को यहाँ फाइट कराएंगे। सो फिलहाल तो मुझे वहाँ पे उड़ के जाना पड़ेगा भाई, हमारे पास तो कोई उड़ने वाला है ही नहीं अभी, मतलब हमारी पार्टी में। तो आप इधर आइए और चलते हैं हम लोग जहाँ हमारा फेवरेट लोकेशन है भाई फाइट कराने का, वहाँ पे अपने नॉकलेम को टेस्ट किया जाए। अबे जा। सो यही लोकेशन मुझे पसंद आता है यार फाइट कराने के लिए ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया लगता है, वाइड ओपन है ना ये, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं पहले फटाफट से बेस बनाता हूँ, और बेस बनाने के लिए तो मैं लेके ही नहीं आया कुछ मटेरियल ही, चलो यहीं से ले लेते हैं स्टोन वुड पैल्डियम फ्रैगमेंट। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना बेस। यहाँ पर मैंने कलेक्ट कर लिया है, ज़्यादा ओपन ज़्यादा आगे हो गया क्या, चलो भाई। ठीक है जी, ये तो हमारा बन गया, और मैं स्लैब लाना भूल गया यार, मैं स्लैब लेके आता हूँ फटाफट से। क्या यहाँ पे ब्रीडिंग हो गई हमारी, नहीं हुई है यहाँ पे भी नहीं हुआ यार, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा देर वेट करते हैं और इन लोग की ब्रीडिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग सारा प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ब्रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो चलिए देखते हैं कि भाई इसमें से कौन सा पैल निकलता है जो हमारे
डिलीट गेमिंग भाई ने हमें यहाँ पे सजेस्ट किया था, तो इसमें लार्ज कॉमन एग निकला है। कौन सा पैल निकलने वाले हो भाई तुम इसमें? तो भाई इसमें ग्रिंटेल निकला यार, काफ़ी टाइम के बाद हमें ग्रिंटेल देखने को मिला। मैं तो भूल गया था यार कि ग्रिंटेल नाम का भी कोई पैल है इसमें। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे एसएम शाहिद भाई ने हमें कौन सा सजेशन यहाँ पे दिया था, तो इसमें से कौन सा पैल निकलने वाला है भाई। ये तो काफ़ी ह्यूज ड्रैगन है गा, तो कोई ड्रैगन टाइप का ही पैल निकलने वाला है। तो कौन हो भाई तुम? ओ निकला है ये एस्टोगॉन, बहुत सही यार, और सेरेनिटी निकल गया बहुत सही यार। सो चलिए गाइस, यहाँ पर हमने ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन अपना कंप्लीट कर लिया है। तो इसी बीच गाइस हमारे पास इतने सारे अंडे हो चुके हैं, और कुछ कुछ यहाँ पर मैंने अंडे ओपन भी कर दिए थे, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अभी हम लोगों ने 103 यहाँ पे एग्स को ओपन कर लिया है, और मुझे अभी तक तो कोई भी बढ़िया पैसिव स्किल नहीं मिला जो हमें चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं बैटल के लिए, लेकिन भाई उससे पहले मैं इन सबको ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर मतलब कि अंदर कर लेता हूँ, फालतू में तुम लोग हमारा लोड बढ़ाओगे। तो चलो भाई तुम लोग अंदर हो जाओ, ठीक है जी, आप दोनों करिए, क्योंकि आप ही दोनों में से हमें ये पूरा का पूरा पैसिव स्किल्स मिलने वाला है। और गाइस मैंने तो अभी तक बताया नहीं यार कि हमें जो पैसिव स्किल चाहिए मैनेस्टिंग टेरा का, वो कौन सा चाहिए। सो गाइस यहाँ पर हम लोग को वही वाला चाहिए जो सबसे स्ट्रांगेस्ट हम लोग के मैनेस्टिंग टेरा को बना सकता है। सो गाइस हम लोग को यहाँ पे आज चाहिए लेजेंड, लकी, मसल हेड एंड फिरोसियन। भाई इन चारों के अलावा तो कोई ऐसा पैसिव स्किल है नहीं जो कि इन लोग को सबसे स्ट्रांग बना सके। जो नए वाले भी आए हैं वो भी लेजेंड एंड लकी से तो नीचे ही हैं, इसलिए गाइस हम लोग इसको निकालते हैं। सो चलिए गाइस अभी हम लोग इसकी ब्रीडिंग अभी और कराते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सो जाते हैं, फिर हम लोग मॉर्निंग टाइम में हो जाएगा तो फिर चलेंगे फाइट कराने, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या सीन होता है भाई। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सो चलिए अभी हम लोग चलते हैं फाइट के लिए, लेकिन भाई हमारे पार्टी में कौन है अभी? हमारे पार्टी में तो ये है ही नहीं, तो इसको ले लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ फिर ब्रीडिंग कौन करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं अभी तक कि यहाँ पर ब्रीडिंग कौन करेगा यार। एक मिनट गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा करके आऊँ। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मैंने दो मैनेस्टिंग टेरा को ब्रीडिंग के लिए लगा दिया है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने जब यहाँ पे एक्स को ओपन किया था, तो मुझे यहाँ पे लकी, फिरोसियस, मसल हेड ये तीन पैसिव स्किल वाला मिल गया था, लेकिन जो लास्ट वाला जो मतलब दूसरा मिला था वो लेजेंड था, तो इसमें लेजेंड की कमी थी, तो ये पूरा का पूरा फुलफिल कर देगा, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। चलिए हमारे पास अब टाइम भी थोड़ा सा बचेगा, तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग बैटल कराने के लिए। वहाँ पर मैंने कुछ तो तैयारी करा दिया है, सो लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पर मैंने समनिंग अल्टार भी बना दिया है। सो और हम लोग जो फाइट कराएंगे आज, वो बेलन और से फाइट कराएंगे, और ब्लेजमट रियूस इसकी फाइट कराएंगे, और देखते हैं किसके सामने पावरफुल निकल करके आता है। ये तो मैंने ऑप्शनल में रखा हुआ है बेलन और लिब्रो का, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा पावरफुल है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमारे नॉकलेम के लिए भी, क्योंकि नॉकलेम से 1v1 हम लोग फाइट कराएंगे, क्योंकि भाई ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैल है। हमारे जितने भी हमारे पास मैक्स पैल हैं उन सब का भाई ये तो मतलब कुछ भी कह लो आप लोग, सबसे स्ट्रांगेस्ट यही है, तो वो भी अल्फा वाला है भाई ये, जिसकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो फिर भी कारगर साबित तो होगा। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे इसको स्पॉन करते हैं। बेलन आयर जी आप आ जाइए, ठीक है गाइस। तो 3 2 1 चलो भाई, तो चलिए मत चलिए, अच्छा फाइट करिए आप। मैंने तो यहाँ पे इसको लिया ही नहीं डूमुट को यार, और मैं फाइट के लिए बुला भी दिया, तो चलो ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको खिला देता हूँ, आ गया, सब कचरा हो जाएगा मेरा, मैं फटाफट लेकर के आता हूँ यार। भाई मैं लेट तो नहीं हुआ? चलिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ, 271 की हेल्थ बची हुई है अभी भी इसकी। ये तो था ही नहीं, तो फाइट कौन करेगा यार, मैं तो भूल गया, ये तो मेरे साथ चला गया होगा ना। तो इसको मैं फटाफट से खिला देता हूँ यार, इतना भी खा लेता हूँ, ठीक है जी। अब हम लोग इसका स्टील गार्डियन मोड को ऑन कर देते हैं भाई, अब देखते हैं भाई कितना पावरफुल निकल के आता है ये, अब निपटा देना भाई
ठीक है जी, 237 की हेल्थ बची। लो भाई नॉकआउट कर दिया यार इसको। ओ भाई तुरंत 211,000 की हेल्थ बची है भाई इसकी, वो भी 1v1 हो रही है, दोनों अल्फा पहल है। तो देखते हैं भाई कौन निकल के आता है सबसे स्ट्रांग। ये क्या भाई गोल गोल क्यों घूम रहा, साथ फेरा ले रहा है क्या इसके साथ में हैं भाई? क्या कर रहा है ये भाई? 23,000 ओ भाई 23,000 का डैमेज दिया भाई ये। और अपना सीड वाला कितना मार रहा है इसको भाई साहब, क्या ही खतरनाक है यार। 50 सेकंड में एफ इसका आ जाएगा, कोई बात नहीं, 50 सेकंड बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दादा मुक्का का चलाओ यार, देखे तुम कितना मारते हो। वैसे इसका अटैक कौन कौन सा है तो मैंने चेक ही नहीं किया अभी तक यार। तो रॉक लाइन, ग्राउंड कटर, सैंड ट्विस्टर, वही सब पुराना ही वाला यार, इसका कोई एक्सक्लूसिव नया नहीं आया। 13,000 का डैमेज दे रहा भाई साहब। अरे मेरे को क्यों, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है ये घोड़ी है क्या एक नंबर की भाई साहब? सैंड ट्विस्टर से क्या ही अटैक दे रहा अपना ये। 122,000 के हेल्थ बची हुई है भाई, और अभी भी पूरा 3 मिनट भी नहीं हुआ है यार, भी ये तो फाइट बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा यार। भाई मैं इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, और इसका मैं फिर से, अरे बहुत लेट से ऑन होता है पता नहीं क्यों कभी कभी। हाँ अब दिया यार 86। ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे से क्या फ़ायदा फाइट करके। 59 भाई, ये तो अकेले निपटा देगा यार इसको। अरे रे 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 छोड़ दो यार मुझे, अभी ब्लेजर में ड्रियू की बारी आएगी भाई, तब देखते सामने क्या साबित होता है ये। ये तो मेरे ख्याल से अपना हेल्थ रिजनरेशन नहीं करती है भाई साहब, डिफीट भी कर दिया इसको। अरे भाई ये तो इसको डिफीट कर दिया यार सिंगल में, खाली सोलो फाइट भाई, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। आ जा इधर आ जा, आजा भाई आजा आजा आजा, आने में भी 10 घंटा लगाता है यार ये। तुम क्यूट भी हो क्या, मुझे लगा तुम डेंजरस हो खाली यार। सो चलिए गाइस फटाफट से मैं यहाँ पे सेकंड बेस तैयार करता हूँ, मतलब सेकंड समनिंग अल्टार यहाँ पे तैयार करता हूँ। 5 मिनट्स लेटर। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मैंने सेकंड समनिंग अल्टार भी बना दिया है। सो चलिए अब बारी है भाई ब्लेजामट रियू को स्पॉन करने का। इसमें क्या लगता है भाई, अभी वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए क्या होगा इसके साथ में, ये क्या डिफीट हो जाएगा और नॉकलेम अपना या विन हो जाएगा। सो चलिए अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो चलो भाई अभी भी है तुम्हारा ना, ये शील्ड गार्डियन मोड स्पॉन कर देता हूँ, देखिए जल्दी नहीं हो रहा गज। अरे कभी कभी बड़ा परेशान कर देता है यार ये, लो मेरे पीछे ही पड़ गया ये। तो चलिए अभी इसकी तो हेल्थ है 5,12,000 की हेल्थ है। अरे भाई मैं तो बच ही नहीं पाऊंगा, मैं क्या बताऊं, मेरे साथ तो बहुत अन्याय होने वाला है अभी। एक तो ये सब मैं लूट लेता हूं, ठीक है जी 5,09,000 की हेल्थ बची अभी इसकी। भाई प्लीज़ यार मेरे पास मत आओ यार, चार लाख 91 भाई साहब, डैमेज भी अच्छा खासा दे रहा है भाई यार, मैं क्या बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ यार अब, ये तो कितनों कर लो मेरे पीछे खाली आएगा। लो इसका स्टील गार्डन मोड भी ख़त्म हो गया। अरे अरे भाई मार मेरे, क्या कर रहा है, नॉट इनफ स्टैमिना भाई, मेरा शील्ड वापस आने दो यार प्लीज, ये फाइट गड़बड़ा जाएगा मेरे ख्याल से। अरे मत आ भाई, मेरे पास आ रहा है ना, अरे भाई ये बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे, वो ऐसे अकेले मार ही नहीं पाएगा जब तक इससे फाइट ही नहीं करेगा यार। अब मैं उड़ने वाला लूंगा तो मेरा को एक डुमुर को कम करना पड़ेगा यार, फिर के अटैक पावर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता नहीं तुम ऑन हो जाओ। चलो मेरा पूरा ध्यान इसके टाइम पे ही रहता है, अब तो मार दो यार ख़त्म कर दो इसको, ये ख़त्म कर देगा इसको जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन
ये फाइट करे बढ़िया तब ना भाई। निकल जा निकल जा, निकल लो भाई, निकल लो निकल लो। ओ भाई घूम के आया। अरे मैं ज्यादा तो निकल गया क्या? ये कैसे फाइट हो रही है? फाइट ही नहीं कर पाएगा, टाइम बर्बाद कर दिया इतना यार। ये है कि नहीं है तो जरूर खा लो। एक हाँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन यार फिर इंटरफेयर हो जाएगा हमारे नॉकलेब के बीच में, इसलिए मैं तो कुछ हिट भी नहीं कर रहा हूँ। बताइए 500-700 की डैमेज दे रहा है यार। 2000 दिया यार, अरे गजब दोस्त। अरे भाई मन तो कर रहा मैं इसको धो दूं यार, जल्दी जल्दी। 3-2-1 ऑन हो जा, ऑन हो जा, ऑन हो जा। अब मारो यार दोस्त, प्लीज यार दोस्त मारो यार। मेरे पास आ रहा है ना, निकल लेता भाई मैं। अरे भाई ये फाइट नहीं हो पाएगी, क्योंकि फाइट करेगा ही नहीं ठीक से, मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर देगा ये। या तो मैं इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं वो भी चलेगा। मेरा भी कौन डैमेज ही लग रहा है यार, कुछ में डैमेज लग रहा है। भाई ये इतना एक्टिव कैसे है यार, बड़ा फुर्तीला अपना ब्लेजर मटेरियल यार, बहुत फुर्तीला है ये भाई। हमारा नौकले में तो चटनी बना के रख देगा, चटनी भी क्या, वो फाइटर नहीं कर रहा उससे। 40,000 की हेल्थ बची, नहीं हो पाएगा भाई, कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये बर्बाद चला जाएगा। ठीक से फाइट भी नहीं कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। अगर मैं किसी को उड़ने वाले को बुलाता भी हूँ तो हमारे सारे के सारे डूबूड का पावर उसके पास लगेगा ही नहीं, क्योंकि फिर मुझे इसको बेस पे स्पॉन करना पड़ेगा ना। अरे ऑन क्यों नहीं होते हो दोस्त? इंक्रीज अटैक एंड डिफेंस, चलो देख लेते तुम्हारा। 5 मिनट बचा हुआ है तो उम्मीद तो बहुत ही ज़्यादा कम है। भाई उसका डैमेज तो कुछ लग ही नहीं रहा है हमारे, 50-60 का डैमेज खाई लग रहा है यार नॉकलेम को। है तो काफी स्ट्रांग ये, लेकिन ठीक से फाइट ही नहीं कर रहा है वो। मत करो, टाइम ऐसे भी जा रहा है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर अटैक दे देता हूँ इसको। कितना लग रहा है? 11,000, अरे सॉरी 1,130। एक स्लैब हमारा बर्बाद कर दिया गुरु भाई। जब इससे फाइट नहीं कर पा रहा है तो उससे कैसे फाइट करेगा? बेलन और लीवरों से वो चटनी बना के रख देगी इसका यार। और गाइस ये तो अपना हेल्थ भी वापस से भर लेता है, तो कोई फायदा नहीं। ये मैच जो है ये हमारे ब्लेजे मटरियू के नाम पे है, क्योंकि ये जीत जाएगा मुझे पता है। तो किसको चला गया? और एक चीज़ और यार, इसका ये मल्टी गाइडेड जो मिसाइल लॉन्चर ये वाला हमारे पास जो अभी हम पकड़े हुए, ये मल्टी गाइडेड भी आता है यार, वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? ये तो मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। 378,000। चलिए पूरा मैच ख़त्म करके चलते हम लोग, देखता हूँ डिफीट हो पाएगा कि नहीं। ये कहाँ गया? अरे रे आया मेरे पास। भाई सब ये क्या बताया जाए, मैच पूरा का पूरा बर्बाद हो गया यार। ये हाथी क्या कर रहा है यहाँ पे? तुमको किसने बुला दिया भाई यहाँ पे? रिंग मर्जी हटा ही देता हूँ। हट घोड़ू, उठा लिया कचड़ा। मुझे तो भाई बहुत जलाया है, इतना जलाया है ना कि अब जलने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, जला जला के राख बना दिया मेरे को। हट घोड़ू,
अब जाके नॉकआउट हुआ, ये नॉकआउट है फिर भी ये हिल डूल रहा है। भाई कैसा लग रहा है ये, उठ गया नींद से छोटू। तो चले गाइस 32 सेकंड बचा हुआ है, अब देखते हैं। अब तो पता चल ही गया है कि मैच किसके नाम पे है। ये अगर सही से फाइट करता ना तो हो सके तो डिफीट कर देता, लेकिन ये फाइट ही नहीं किया ठीक से यार। पता नहीं कहाँ इधर उधर घूम रहा है ये, देख अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भाई अब तुम जाने वाले हो, तुम जाओ, मालूम है तुम जीत गए हो, अब चले जाओ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 सेकंड बचा है तब भी नाच गा रहा है यहाँ पे। ठीक है टाटा बाय बाय। सो गाइस ये मैच तो नहीं जीत पाया यार, क्योंकि वो ठीक से फाइट ही नहीं कर रहा, यहाँ वहाँ खाली भागे पड़ा। सो गाइस ये बेलेनोर के लेवल का अभी बस है, ब्लू वाले बेलेनोर का, उसके अलावा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है इसको। तो प्रॉपर फाइट कैसे होगी पता नहीं भाई। कुछ नहीं कह सकते। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने बेस पे और चल के कराते हैं, और चल के पहले करते हैं भाई अपने मैनेजिंग टेरा को मैक्स। तो ऑल राइट गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने बेस पे, और चल के भाई देखा जाए पहले कोई तगड़ा वाला अंडा निकलता है या नहीं। तो भाई प्लीज़ यार एक बार में निकल जाना। नहीं निकला यार, नो ही निकला भाई। मैच जाकर निकल जाएगा बड़े आराम से यार। लकी एंड फेरोसियस अल्फा वाला निकल तो और मज़ा आ जाए भाई। अल्फा मिल जाएगा तो और ही मज़ा आएगा, बड़ा वाला लेके घूमेंगे हम लोग। इसके ऊपर राइड नहीं कर सकता शायद ना, नहीं निकला यार। सो थोड़ी देर वेट करते हैं गाइस, फिर देखते हैं निकलता है या नहीं। 80 minutes later. So all right guys, हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है बहुत ही तगड़ा वाला भाई, जो हम लोग को पैसिव स्किल्स यहाँ पे चाहिए था। मैं जरा शॉर्ट कर लूँ और देखा जाए भाई कौन सा निकला। काफ़ी टाइम के बाद निकला है यार, तो कौन सा निकला है भाई। मैंने सबको मिक्स कर दिया था, ये रहा गाइस लकी मसल हेड फिरोसियस लेजेंड। भाई अल्फा बहुत निकल गया यार ये भी, बहुत सही यार। सो चलो भाई इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और ये भी हमारा ग्राउंड टाइप का ही है, तो हम लोग का डुमुट से अच्छे से काम हो जाएगा भाई। अभी कितना इसका हो गया है, 344, अभी 3 लेवल का ही है, तो इसको फरा पड़ते भाई हम लोग मैक्स किया जाए। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ये भी अल्फा बॉस निकला है, 44 48। चलो ठीक है, हमारे पास वाला क्रिस्टल नहीं है क्या यार, होगा भाई कहीं ना कहीं तो मैंने रखा हुआ था। तो इसको हम लोग और बढ़ाते हैं, 5 और पड़ेगी। चलो भाई ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो चुका है, तो इस सबको मैं अंदर रखता हूँ, बाकी तुम सब लोग आ जाओ। ठीक है जी, कितना हो गया भाई इसका अभी आईवीस, तो कुछ है ही नहीं। अरे कहाँ गया इसका आईवीस, काफ़ी लो है तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो अभी 55 लेवल का है, तो चलिए हम लोग अभी यहीं पर रखेंगे इसको पार्टी में, तो मैक्स कर ही देते हैं यहीं से। चलो यार 100 हो गया इसका लाइफ, हेल्थ इसका हो गया गाइस 5055, और पावर फ्रूट 100 हो गया। अटैक इसका निकल के आया भाई 1756, डुमूड के साथ में अभी ये है, सिंगल नहीं है। और डिफेंस भी इसका हो गया 896 भाई। चलिए मज़ेदार है भाई ये। तो अभी हम लोग इसका पैल सोल्स की मदद से बढ़ा के देखते हैं कितना होता है। अब तो इसमें टाइम ही लगता है यार, ये बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, मैंने नॉकलैम का वर्क स्पीड बढ़ा दिया था, जो कि किसी काम का नहीं निकला, तो इस बार वो गलती नहीं करना हम लोगों को। ठीक है जी, सो फाइनली गाइस इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, नहीं अभी फाइनल नहीं है, अभी मैंने इसको खिलाया ही नहीं अभी तक। इसको पहले गाइस हम लोग मैक्स कर लेते हैं, उसके बाद गाइस हम लोग इसको खिलाएंगे चीज़ मोजरेला बर्गर, उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल इसका अटैक कितना निकल के आता है। तो इसको पहले मैं फटाफट से मैक्स करता हूँ।
और गाइस यहाँ मैंने टोटल सेलेक्ट कर लिया है, अब इसको हम लोग करते हैं कंडेंसेशन। ये हो गया गाइस, अभी जिसका निकल के आया मैक्स अटैक वो आया है 2737। ठीक है जी, अभी हम लोग यही इसको खिला देते हैं चीज़, मोजरीना बर्गर, मोजरीना चीज़ बर्गर, भाई इसका ज़िंदगी में कभी नाम नहीं ले पाऊँगा। चलिए इसको खिलाते हैं। गाइस कितना निकल के आया इसका, 3284। एक मेनेस्टिंग टेरा के लिए इतना बहुत है गाइस। तो ये हमारा सबसे स्ट्रांगेस्ट पैल निकल के आया है भाई, चलो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों ने इसका काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। लेकिन ये लॉक क्यों है भाई? अच्छा लॉक हो गया, लेकिन इसका पैसिव स्किल्स कुछ, अरे मतलब इसका पार्टनर स्किल कुछ है क्या? तुम्हारे पर हम लोग स्टील स्कॉर्पियन, ये क्या है भाई स्टील स्कॉर्पियन से क्या करता है ये? चलिए देखा जाए यहाँ पे, कुछ तो पता चलेगा स्टील स्कॉर्पियन क्या है। भाई ये स्टील स्कॉर्पियन से कुछ किया क्या? इसमें इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे यार, कुछ पता नहीं चल रहा इसका। वेन फाइटिंग टुगेदर इंक्रीज द प्लेयर्स डिफेंस एंड इलेक्ट्रिक पैल्स ड्रॉप मोर आइटम्स वेन डिफेटेड। अच्छा तो मतलब ये स्कॉर्पियन स्टील ये सब कुछ चुराता है, कोई बात नहीं, मतलब ये हम लोग का डिफेंस पावर बढ़ा देता है। तो मेरा डिफेंस अभी कितना हो गया, 866 हो गया भाई। अगर इसको मैं ड्रॉप कर दूं, ठीक है जी, अभी कितना हो गया हमारा, 760। कुछ खास नहीं बढ़ाया, मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको मैक्स कर दिया है, तो चल के देखते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है। तो अभी हम लोग किसी बॉस के पास चलते हैं, टावर बॉस के पास। गाइस अभी हम लोग चलते हैं और सर्ग के पास, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक टाइप का है और हमारा जो स्कॉर्पियन है मैनेस्टिंग टेरा वो हमारा ग्राउंड टाइप का है, तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग साबित होगा, मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रांग। चलो भाई हमारे मैनेस्टिंग टेरा अब दिखा दो अपना कमाल, और कुछ खाना तो खा भी लो। ठीक है जी, 1,18,000 भाई, 98। हो भाई इसको तो कुछ समझ ही नहीं रहा यार, 88 की हेल्थ बची हुई है। इसके ऊपर काश में राइड कर सकते हैं तो मजा जाता, 9,000 का डैमेज दे रहा है भाई इसको, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं हो गया यार ये? 67, 55,000 की हेल्थ बची है भाई, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ इसको फाइट करते हुए। भाई कूद कूद के मार रहा यार। इसके पास कौन कौन सा अटैक है भाई? तब तक खत्म कर देगा भाई, जंपिंग स्ट्रिंगर भाई खत्म भी कर दिया यार ये। हो भाई मेरे बस देखने भर में ये खत्म भी कर दिया। फाइनली गाइस हम लोगों ने मैनेस्टिंग टेरा को यहाँ पे मैक्स कर दिया और इसको डिफीट भी कर दिया हम लोगों ने, और सर्ग को, और काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है हमारा ये, मज़ा आ गया भाई। फिलहाल गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हम लोग ऐसे मज़ार मज़ार वीडियो इस चैनल लेकर के आते रहते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।